हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फुल फ्लेयर प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया है, फैब्रिक 2 मीटर का है मेरा, और इसको मैंने एक फोल्ड में रखा है। ये देखिए, इस तरीके से ये किनारे वाली साइड है, तो यहाँ से मैंने इस फैब्रिक को एक फोल्ड में रखा हुआ है। और अब हम देखिए इस साइड, और ये जो ऊपर की साइड है ये चौड़ाई वाली साइड है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ दूसरी साइड में भी कमर की मार्किंग करनी है, और फिर उसको तिरछा मिला लेना है, जैसे हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे। तो अब हमने देखिए यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ लेने से पहले हमने यहाँ पर एक मार्क कर लेना है, हाफ इंच का। हाफ इंच का मार्जिन हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर देखिए इस तरीके से टेप को रखना है, 1 इंच हमने ऊपर निकाल कर रखना है, और टेप बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही रखना है, क्योंकि 1 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है, तो इसलिए हमने 1 इंच निकाला है। और लेंथ है हमारी देखिए 34 इंच, रेडी 34 पर मार्क किया, और फिर 2 इंच मैंने मार्जिन का लिया नीचे फोल्ड करने के लिए। अगर आपकी इलास्टिक ऊपर से ज़्यादा चौड़ी है, मतलब 2 इंच या 3 इंच है चौड़ी, तो आपने ऊपर टेप को 2 इंच निकाल के रखना है, या 3 इंच चौड़ी है तो 3 इंच निकाल के रखना है। इसी तरीके से हमने पूरी मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमने मार्क कर ली है, अब हमने यहाँ पर 2 इंच मार्क करना है। तो ये 2 इंच हमने आसन के लिए मार्क करना है, आसन की हम शेप डालेंगे यहाँ पर नीचे, तो वो मैं आपको शेप डालते हुए बताऊँगी। तो ये 2 इंच हम छोड़ देंगे। इसके बाद हमने हिप का 4+2 इंच लेना है। तो हिप है यहाँ पर 40 इंचेस, 40 का 4th निकालेंगे तो 10 इंचेस आएगा, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, तो 12 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, और उसमें 1 इंच और ऐड करेंगे, वो सिलाई का मार्जिन होगा। तो टोटल 13 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। 13 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है, तो टोटल ये लेंथ हो गई है 15 इंच की, 13 इंच ये, और 2 इंच हमने पीछे की साइड लिया है, तो ये टोटल हो गया 15 इंच। अब हमने यही 15 इंच हम दूसरी साइड पे भी मार्क करना है। तो ये जो मार्जिन वाली लाइन है इसको मैं स्ट्रेट कर लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये मार्किंग की है, 15 इंच हमने कमर का मार्क किया है। तो अब हमने यही मार्किंग इस साइड में करनी है, यहाँ पर हमने 15 इंच मार्क करना है, और फिर इसको ऐसे तिरछा मिला लेना है। तो जो लेंथ हमने इस साइड ली है, अभी यही लेंथ यहाँ पर भी लेंगे। तो इस दूसरी साइड में मैं आपको लेंथ लेकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने लेंथ मार्क करनी है, जितनी लेंथ हमने उस साइड ली है वही लेंथ लेंगे, और इस फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने लेंथ चेक कर लेनी है पहले, बिल्कुल जहाँ कपड़ा है ऊपर वहीं पर हमने टेप को रखा है, और जो सबसे नीचे हमने मार्किंग की थी 36 इंच पे, वो मार्क कर लेंगे, तो चेक कर लेंगे, तो वो आ रहा है हमारा 35.5 इंच। अब ये देखिए, ये मार्किंग हमने इस साइड की है, अब हमने दूसरी साइड में ये मार्किंग करनी है। अभी देखिए हमारी टोटल लेंथ 35.5 इंच आई थी, हमने जो मार्क किया चेक किया था अभी दूसरी साइड, यहाँ पर भी 35.5 इंच हमने मार्क कर लिया है, और इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेना है। बाकी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है नीचे फोल्ड साइड से, तो यहाँ पर देखिए इस मार्क से हमने ये जो 36 इंच पे यहाँ मार्क किया था, इसको हमने यहाँ दूसरी साइड से मिला लेना है। तो ये देखिए लाइन मैंने स्ट्रेट कर ली है, यहाँ पर इसको हमने कट कर लेना है, और जो कपड़ा हमारा बचेगा वो फोल्ड साइड से बचेगा। अब यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी है, जैसे हमने दूसरी साइड में की थी। टोटल हमारा 15 इंच आया था, तो यहाँ पर भी हमने 15 इंच पर मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इन दोनों मार्क्स को मिला लेना है, 15-15 इंच दोनों साइड के। तो ये वाले मार्क को हमने इस वाले मार्क से मिलाना है, तिरछा मिला लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे, और ऐसे ही फिर कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए लाइन मैंने यहाँ पर डाल ली है, और यहाँ पर ही हम कटिंग कर लेंगे, और ये जो कपड़ा है ये फोल्ड साइड से हमारा बचेगा। तो देखिए यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम साइड कर लेंगे। अब हमने एक साइड के ये दोनों पीसेस इस तरीके से साथ में ही उठा लेने हैं, और किनारी से किनारी मिलाकर हमने दोनों को साथ में रखना है। तो देखिए नीचे वाले की भी किनारी वाली साइड है, और ऊपर वाले की भी किनारी वाली साइड, दोनों की हमने मिलानी है, मतलब कन्नी से कन्नी मिलानी है। इस तरीके से मिलाकर हम अच्छे से सेट करके इसको रख लेंगे, और उसके बाद हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो देखिए दोनों को मिलाकर मैंने अच्छे से रख लिया है, और ये जो किनारी वाली साइड है यहीं पर हमने आसन की मार्किंग करनी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और इसी के ऊपर हमने 1 इंच टेप को निकाल के रखना है, इसके ऊपर रखना है, और फिर हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 1 इंच की इलास्टिक आएगी, तो इसलिए इस मार्किंग के ऊपर मैंने टेप को रखा 1 इंच, और हिप का 4+2 इंच हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट बढ़कर नहीं कटता कटेगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर हिप का 4+2.5 इंच लेंगे। तो 12.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी,
जिस प्लाजो में हम बैक साइड से बढ़ा के काटते हैं आसन तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ आधा इंच मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि दोनों ही आसन यहाँ पर बराबर हैं, और 1 इंच तक भी आप ले सकते हैं, थोड़ा लूज़ आसन चाहिए तो। अब हमने ऊपर 2 इंच मार्क किया था, जो वही 2 इंच हम नीचे भी मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने शेप डाल लेनी है, तो आसन की गोलाई वाली शेप हम यहाँ पर डाल लेंगे। इससे क्या होगा कि 2 इंच इस तरीके से आसन का लेकर यहाँ पर शेप अच्छे से डल जाती है और ऊपर की साइड यहाँ पर कोना नहीं बनता। जब हम यहाँ पर ऊपर की साइड 2 इंच नहीं लेते तो हमारी शेप हम इस तरीके से तिरछे में आती है, तो यहाँ पर कोना निकल आता है। इस वजह से हमने ऊपर से 2 इंच ले लिया है और यहाँ पर शेप डाल ली है, और उससे आगे तो हमने हिप का 4+3 इंच लिया ही है। इसके बाद हमने सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है और लेंथ भी अभी हमने चेक करनी है। तो ऊपर हमने 1 इंच टेप को ऐसे ही निकाल के रखना है और नीचे लेंथ मार्क करनी है। तो नीचे लेंथ देखिए हमारी आ रही है 35.5 इंच। टेप को हमने निकाल के नहीं रखा है, बिल्कुल कपड़े के ऊपर ही रखा है ऊपर की साइड से। तो 35.5 इंच पर हमने पूरे पे मार्क करना है इस तरीके से। और थोड़ा आगे आते हुए अब हम यहाँ पर राउंड वाली जगह पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 1 इंच और कम लेना है। पीछे हमने 35.5 लिया है तो ये गोलाई वाली जगह पे आगे हमने 34.5 लेना है, क्योंकि ये उरेब वाली साइड है, तिरछी साइड होती है, तो ये नीचे की साइड लटकता है कपड़ा, तो इसलिए हमने इस कोने में 34.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर 34.5 मार्क करना है क्योंकि ये उरेब कपड़ा है, तिरछा है तो ये लटकता है इस वजह से। और इस तरीके से गोलाई डाल लेनी है, तो इस कोने पे हमने 1 इंच और कम लिया है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हमने ये वाली मार्किंग पे कटिंग करनी है और ऊपर आसन वाली मार्किंग पे कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर सेम मार्किंग के ऊपर मैंने कटिंग कर ली है, आसन की भी हो गई है और नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हमने ऊपर से 2 पीस उठाने हैं, फ्रंट के लिए हमने 2 पीस उठाने हैं, नीचे वाले पीस 2 साइड कर लेने हैं। और यहाँ पर हमने फ्रंट के आसन को थोड़ा सा डाउन करना है, तो 1 इंच या 1.5 इंच आप आगे से मार्क कर सकते हैं और उसको तिरछा मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैक वाला आसन भी बराबर है, तो फ्रंट के आसन को हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे ताकि वो पेट पर ना चढ़े। और 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इसको तिरछा मिला लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है और बिल्कुल सेम तरीके से उस पर भी कटिंग कर लेनी है। रॉन्ग साइड की यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है ताकि स्टिचिंग में पता चले कि ये रॉन्ग साइड है। और यहाँ पर फ्रंट के पीसीज हैं ये वाले 2 जो हमने आसन की साइड से डाउन किए हैं, इसलिए यहाँ पर टिक का मार्क कर लिया ताकि सिलाई करते समय आसानी से पता चल सके। अब हमने देखिए लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है, ये भी 2 मीटर का है और इसको भी एक फोल्ड में लंबाई में मैंने एक फोल्ड करके रखा है सेम तरीके से। अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है, तो सेम मार्किंग होगी यहाँ पर भी जैसे हमने मेन फैब्रिक में की है। 1/2 इंच ऊपर मैंने मार्क किया है, 1 इंच ऊपर टेप को निकाल के रखा है, लाइन के ऊपर ही टेप को रखा है। लेंथ हमारी रेडी लेंथ 34 इंच है, तो सिर्फ हमने यहाँ पर 1 इंच ऐड करना है लाइनिंग में और 35 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यही सेम मार्किंग लंबाई की हमने इधर दूसरी साइड में भी कर लेनी है और दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है। अब हमने ऊपर कमर की मार्किंग की थी 15 इंच पे, तो यहाँ पर भी हमने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। और सेम हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पर भी लंबाई लेके 15 इंच हमने कमर की मार्किंग कर लेनी है और फिर दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है। तो ये देखिए मार्किंग इधर भी हो गई है और यहाँ पर भी हो गई है और इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम इन मार्किंग को डार्क कर लेंगे। नीचे की साइड भी देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा हमारा बच रहा है, तो यहीं पर बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नीचे की साइड से घेरा कम आएगा क्योंकि अर्ज कम है इस कपड़े का। तो यहाँ पर कटिंग देखिए हो गई है, मेन फैब्रिक में अर्ज ज़्यादा था, 44 इंच का वो कपड़ा था, तो इसलिए हमारा फ्लेयर उसमें ज़्यादा आया है लेकिन इसमें कम आया है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने दोनों को ही अलग अलग स्टिच करना है। कमर की साइड से बस हमारे ये दोनों फैब्रिक बराबर होने चाहिए। अब सेम तरीके से हमने इन दोनों को साथ में रख लिया है और जो किनारी वाली साइड है यहाँ पर हमने आसन की मार्किंग करनी है। नीचे से हमें गोलाई देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ी सी 1/2 इंच की गोलाई हम नीचे से देंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड ज़्यादा फ्लेयर नहीं है।
और यहाँ पर हमने आसन की सेम मार्किंग करनी है जैसे हमने उसमें की थी, 12.5 इंच लेकर यहाँ पर मार्क कर लिया है और 2-2 इंच की हमने यहाँ पर चौड़ाई ली थी। अब हमने यहाँ पर मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। ऊपर से कटिंग कर ली है, नीचे से बिल्कुल हल्का सा 1/2 इंच हमने गोलाई की शेप डाल के कट करना है और ऊपर से 1.5 इंच हमने फ्रंट वाले पार्ट को देखिए डाउन कर लिया है जैसे हमने मेन फैब्रिक में किया है। रॉन्ग साइड की हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और फ्रंट के पीस हमने डाउन किए हैं तो उसमें भी हमने टिक लगा कर रखना है क्योंकि वो फ्रंट के पीसेज हैं। और इस तरीके से देखिए रखेंगे इनको और यहाँ पर हमने आसन की सिलाई पहले लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारे लाइनिंग वाले प्लाजो की कटिंग हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्लाजो की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।